बाहर हमारे पेपराजी लोग हमारा वेट कर रहे हैं। देखो अभी फोटो कितना खींचे, देखो अभी देखो तुम लोग। प्रतीक्षा आई है यहाँ पर, मेहुल है। हेलो गाइस, फिर से मिल गए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। 1 2 3 4 हेलो दोस्तों, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय YouTube चैनल MSK। अभी हम लोग हैं जयपुर में, हमारा हीरो का इवेंट खत्म हुआ, बाइक लॉन्च देख के हो गया, सब मजा आ गया। अभी हम जा रहे हैं मुंबई की तरफ क्योंकि हमें किसी से मिलना है। चलते चलते बताते हैं। कुछ ज्यादा सामान लेके आए नहीं थे, बस एक बैग और एक हेलमेट का बैग लेके आए थे और एक लैपटॉप बैग लेके आए थे। भैया ये ताज को हमने अच्छे से एंजॉय भी नहीं किया, लेकिन कोई नहीं, हमारा काम हो गया। हम यहाँ आए थे सुबह, मतलब सुबह मुंबई से निकले थे, यहाँ पहुंचे थे दोपहर को, इवेंट अटेंड किया, शाम हुई। बाबा चाबी, दो चाबी थी ना अपने पास, जिंदगी उधर है। अरे कुटे रे बाबा, हाँ मिला। शाम को मतलब इवेंट खत्म हो गया, अभी हम वापस जा रहे हैं मुंबई रात के वक्त। अभी 9:10 हो रहा है, हमारी फ्लाइट लगभग 12:10 की है। कुछ खा लेते हैं। वैसे तो इवेंट में मैंने चीज खाया था, मजा आ गया, पेट भर गया। खुल जा सिम, खुल जा। कहाँ है हमारे कैब ड्राइवर भाई? पप्पू भाई हम आ गए वापस। कैब में बैठ चुके हैं, बस अभी हम घोड़े पे हैं, फटाफट पहुंचना है हमें एयरपोर्ट। फ्लाइट छूट सकती है, क्या लगता है आपको, 1 घंटे में पहुंचेंगे? बस 1 घंटे में पहुंचेंगे तो फिर फ्लाइट मिल जाएगी। पप्पू भाई हमारा ऑटोग्राफ लेंगे। किधर लाइन में? इधर पे, एक उधर में। ठीक है चलिए, मिलेंगे आपसे। बहुत बातें हुई इनसे, बहुत परेशान किया हमने इनको। ओके लेट्स गो, चलो मुंबई। टाइम पे पहुंच गए हम यार। फ्लाइट है हमारी एयर एशिया की, एयर एशिया का काउंटर यहाँ है। लास्ट टाइम हमें साथ में सीट नहीं मिला था, इस टाइम रिक्वेस्ट करेंगे पूरी कोशिश। लास्ट क्लिप जो मैंने शूट किया था उसको शूट करके अभी लगभग 1 घंटा हो गया। लास्ट स्टोरी याद आई मेरे को, वो थी कि हम साथ में है कि नहीं, साथ में मिला है लेकिन विंडो नहीं मिला। वैसे भी रात का टाइम है, क्या चाहिए, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे नहीं चाहिए था मेरे को यार। रात के टाइम थोड़ी दिखता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मिलिए सचिन एंड किरण से, इनसे मैं बहुत पहले मिला था। ये इतने कॉमेडी चीज हुआ था, नंबर ले लो मेरा, मैं तो दे नंबर पहले से सेव था। देखो लड़के रिश्ते भूलते नहीं, लड़की भूल जाती है। तुमको ना, तुमने भूला, तुमको याद भी नहीं है नंबर। अरे रे सही है। तो कल जो हम इवेंट में जा रहे हैं वहाँ पर किरण सचिन भी रहेंगे, और वही अभी पहुंचेंगे कब, जाएंगे कब, वो बंदे ने और डरा दिया, बोलते मैं नहीं जा रहे हो। हाँ अरे ये ऊपर से वो बंदा वहाँ से गेट से मुंबई फ्लाइट बोर्डिंग बोला भाई मुंबई फ्लाइट हमें ये उठ गया नहीं वो नहीं इसने डरा दिया, बोलता मुंबई है, बोलते 12 बजे की है, बोलते 2 बजे जाएगी। बोला क्या हो गया? 3-4 दिन से ऐसे ही चल रहा है, मैं बार बार जाके चेक कर रहा हूँ। ये ऐसा हुआ ना इटा चौल में ना, मैं माला बोर्डिंग भी शुरू हो चुका है, थोड़ा सा फ्लाइट डिले है और यहाँ हम अपने आप को भी देख सकते हैं। वाओ, बीच में से कट गए हम। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, पहुंच गए मुंबई, और बाहर हमारे पेपराजी लोग हमारा वेट कर रहे हैं। देखो अभी फोटो कितना खींचे, देखो अभी देखो तुम लोग। अरे हमारे पेपराजी लोग किधर गए? फुल पेमेंट नहीं दिया था। अरे हाँ, अरे पेपराजी लोग का पेमेंट अटक गया यार। गौरव जी पेमेंट फॉरवर्ड कर दो, नेक्स्ट टाइम पेपराजी चाहिए यार। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने वीडियो को बहुत ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो अच्छा बनाने के लिए एडिटिंग करना पड़ेगा, एडिटिंग के लिए म्यूजिक चाहिए, स्किल्स चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और है जो आपको चाहिए, वो है साउंड इफेक्ट। हम यूज करते हैं एपिडेमिक साउंड का साउंड इफेक्ट, जिनके पास 90,000 से ज्यादा साउंड इफेक्ट है, 40,000 से ज्यादा गाने हैं इनके पास। और जब से मैं एपिडेमिक साउंड यूज कर लगभग 4-5 साल हो गए, तब से मैं बहुत खुश हूं। अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 30 डेज का फ्री ट्रायल है। 30 डेज में जितने भी गाने यूज करोगे उस पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। और क्या चाहिए, नहीं समझ में आया तो फिर सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दीजिएगा। ऑलराइट जिंदा लोग, घर पहुंचते रात के 3 बज चुके थे और आते ही सीधा सो गया। 4 घंटा एकदम मस्त डेड स्लीप, अब ऐसा कंप्लीट से लग रहा है, अब मैं पूरा दिन फुल जोश में इवेंट अटेंड कर सकता हूँ। तो निकल रहा हूँ इवेंट के लिए।
इवेंट में पहुंच गए। काफ़ी सारे हमारे यूट्यूबर मित्र भी आए हुए हैं यहाँ पर और बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से राइडर्स आएंगे और जो ब्रांड एम्बेसडर है वो फिर रिवील होंगे। सो प्रतीक्षा आई है यहाँ पर, मेहुल है। हेलो गाइज, फिर से मिल गए इनसे। हेलो हेलो तो हो गया है अभी, फिर से हेलो। किरण सर आए, रियली लाइक योर वर्क। और सचिन मैम, ऑल गुड, ठीक है, ओके। First of all, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you so much for the amazing setup put together by this fantastic and very, very talented Shell team. So congratulations, Shell, for this fantastically organized event. I feel very privileged to be brand ambassador for Shell Lubricants. It's absolutely my pleasure and I'm proud to be here. ऑलराइट, तो इवेंट हो गया, अब भूख लग रही है तो हम खाना खाएंगे। और खाने में जब यहाँ से गया था मैं तो इंस्पायर होकर गया था कि मैं वेज खाऊंगा, क्योंकि मैं इनसे इंस्पायर हो गया था। फिर वहाँ पर जब गया तो जैसे नाम दे लबदार और फिश, तो मैंने सोचा कि खा लेंगे नॉन वेज। तो यहाँ रोटी के पीछे मैंने फिश छुपाया है, ये चिकन है, पनीर भी है और सब मिक्स हिंदुस्तान। ओके बाय। मुझे ऐसा लगता है कुछ भूल ना था। अरे नहीं है, बताऊँ क्या फील कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा फील। और बहुत मैंने आपकी एक्टिंग में जो बदलाव देखा था वो हैदर के बाद। हैदर से पहले आपने आदिशक्ति किया था? आपने आदिशक्ति कभी नहीं किया? गलत इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं यूट्यूब करने से पहले इंडस्ट्री में था, एक्टिंग करते थे, तो नीरज सर के वर्कशॉप किए थे हमने, हम एक्टिंग स्कूल किए थे। तो उस टाइम पे ऐसे हवाओं से बात आती थी, इसने आदिशक्ति किया, तुझे भी करना चाहिए, ये भी करेंगे। नहीं बट अच्छा है, कोई ना कोई सीखने का। बट ये मेरा सवाल है कि वो हैदर में इतना बदलाव कैसे आया? रोल ऐसा था यार, मौका ऐसा मिला कि मन के अंदर से, यू नो, आपको दूर, मेरे से दूर दो कदम, क्या है, दूर हो जाओ। शाहिद भाई का इंटरव्यू लेके आया है। दोनों को डिंपल्स साथ में गिर रहे थे, मेरे को देख के लग रही थी ना, क्यूट लग रहा था एकदम। शूट अपन लीड बन सकते हैं, लीड में आ सकते हैं एकदम। हां सही है, बहुत सही लगा, मजा आया। और पहले ऐसा था कि हमको लग रहा था कि पता नहीं माहौल कैसा बनेगा, लेकिन जो माहौल उन्होंने ऐसे शांत कर दिया और ऐसे फेवरेबल बना दिया ना, तो फिर हमने भी थोड़ा हिम्मत करके बोला चलो नाच वाच लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तू भी आजा, तू भी फोटो खींच ले। और साकिब, तेरा भी नाम लिया मैंने यहाँ पर, तो सही है। साकिब की भी तारीफ, हाँ साकिब की भी तारीफ की भाई, चिल बंदा है। इंटरव्यू अगर देखना इंस्टाग्राम पे जाना, मिल जाएगा। चलो अपना काम हो गया, अपन अभी यहाँ से कल्टी। इशू बॉय, ये बॉय कैसा लग रहा है? बढ़िया हो गया यार, मज़ा आ गया, काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ मैं। हमारी कैब आ चुकी है, शुक्रिया मेहरबानी दोस्त। ए हट जा छोकरे, हट जा रे छोकरे, रास्ता दे, दो फीट दूर अपने से। क्या अपन किससे मिल के आए? शाहिद बाबा से, शाहिद कपूर से। क्या इतना फीट दूर रहने का? दो फीट दूर रहने का भाई। शाहिद कपूर पता है क्या बोल रहा था, शफीक किधर है? पहला सवाल शफीक किधर है? उनको पता है कि उनका वो फैन है। हाँ अरे वो व्लॉग देखते हैं। अच्छा? हाँ गौरव जी के बारे में पूछ रहे, पूनम के बारे में पूछ रहे, इसलिए बोल रहा 2 फीट दूर। मजा आ गया, इरिटेट कर रहा है, काट देना। अरे खोलने क्या, खोल के दे, कैसे खोलता है? मेरे हाथ में अगर एक भी खरोच आया ना, फिर देख ले तेरे साथ क्या करूंगा मैं। रात को तो सोता ना, फैन बंद कर दूंगा, देख लेना फिर। फिर तड़प तड़प के सोना रात को। अरे मेरे हाथ में, ठीक है भाई। क्या बोलते गौरव जी, एक चाय हो जाए? हमने चाय बोला और चाय हाजिर।
ये दूसरा टेक हो रहा है जिस वजह से इसमें आवाज नहीं है। अगर फर्स्ट टेक होता तो इसमें बहुत अच्छी पुस आवाज निकलती। बट ठीक है, चाय पियेंगे। क्या गाना? हम तो माल पियेंगे, हम तो चाय पियेंगे, हम तो चाय पियेंगे। घर पे ना हो तो मंगवा के पियेंगे, ना हो तो मंगवा के पियेंगे। चेयर्स भाई लोग, चेयर्स फॉर शाहिद कपूर से मिलना। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो फिर चेयर्स। चेयर्स, थैंक यू सो मच। अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हुआ जब उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया। Like you can ask me and you can be friend or like, you know, so. बहुत friendly environment था। हाँ। और जिस तरीके से स्टेज पे भी था ना, बहुत friendly तरीके से बात कर रहे थे। मैं अपने अंदर चाय के साथ सारी खुशियों को जीता हूँ। यार आज अपन अपना हेलमेट सेटअप कर लेते हैं, मतलब कर लेते हैं। आज आपको दिखाते हैं हमारा नया हेलमेट सेटअप। और लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम हमारा जो नया हेलमेट है उसका मोटो ब्लॉगिंग सेटअप तैयार करने जा रहे हैं। अंदर से सारा का सारा जो पैडिंग है मैंने निकाल दिया है, ये तीन पैडिंग है। जिंदगी में पहली बार इसकी मदद से हम सेटअप बनाएंगे और मुझे लगता नहीं कि ये मजबूत होगा क्योंकि ये सिर्फ एक 3M टेप से चिपका होगा, तो मुझे इस पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है जितना मुझे भरोसा है MC पे। लेकिन MC लगा के हेलमेट ख़राब नहीं करना है, तो एक बार टेस्ट करके देख लेते। अगर कामयाब हो गया तो फिर ये जो है ना, ये सारे हेलमेट पे लगा दूंगा। लेकिन वही है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक शायद ये सेफ्टी 3M, मतलब अगर वो गिर जाए तो ये संभाल ले, ऐसा करके एक दिया गया है। तो लेट्स सी, कैमरा पकड़ेंगे गौरव जी। दो कारीगर मिलके अपना काम तमाम करेंगे। LS2 हमारा महंगा सबसे एक्सपेंसिव हेलमेट, ठीक है। ये जो है अभी वेंटिलेशन बंद है और ये चालू है, और बंद करके हम लगाएंगे तो उसको कभी चालू नहीं कर पाएंगे, तो और ऐसे भी लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। सो द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर ना ये जो है अनइवन सरफेस है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने को फिल अप करने के लिए एक्स्ट्रा 3mm का टेप चाहिए, जो कि हम ये यूज करेंगे। कटर से उसको कट करके देखो, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। कटर ले गया अपने पास, एक अच्छा वाला कटर है। अरे अपने पास है ना उधर, वो सॉलिड ऐसा नहीं है। अभी तो तू उधर से उठाया, एक मार लेंगे। बहुत ही बारीक हो जाता है। कितना गैप है? बहुत ज्यादा गैप है। ऑलराइट जी, हमने ये लगा तो लिया है लेकिन मजबूत नहीं है क्योंकि ना अनइवन सरफेस था। यहाँ पर तो हमने एक 3mm टेप से मतलब उसको एडजस्ट किया है, लेकिन यहाँ पर ये वाले पे चूंकि ये अनइवन था, यहाँ इस वजह से ऐसा हुआ है कि यहाँ पर हमने चार लेयर लगाए 3mm टेप के, तब जाके ये बैठा है। बट ये मजबूत नहीं है, मतलब मैं देख के बता सकता हूँ। यहाँ पर भी अगर देखेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा गैपिंग है। देखते हैं इसको अपने हिसाब से जुगाड़ करने के लिए। बाकी ब्लॉग होते समाप्त। थैंक यू। Live life, live a dream. Boom. Hey, कौन मिल गया? देखो रिचा। हेलो रिचा, तुम्हारी गैंगस्टर की माँ की।